हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। वीडियो स्टार्ट करने से पहले कहना चाहूँगी कि अगर आपको मेरी ये वीडियो थोड़ी भी पसंद आती है या थोड़ी भी हेल्पफुल होती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो आज मैंने परचेज़ किया हुआ है ये दो फेस्टिव वेयर कुर्ता, इनका रिव्यू आज मैं आपके साथ में शेयर करना चाहूँगी। ये है वो दो सूट जो मैंने परचेज किया है। मेरा फर्स्ट जो है वो अमेज़न से है एंड सेकेंड वन जो है मैंने परचेसिंग किया हुआ है मिंत्रा से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मेरा फर्स्ट वन सूट जो है वो है अमेज़न से। मैंने इसको पहले ही ओपन करके रखा था। ये कुछ इसी तरह का पैकेट में आया हुआ था। ये पिंक कलर का सूट है, ऊपर का कुर्ता और प्लाजो इसके साथ। ये देखिए, इसमें जो नेक पे है, नेक पे काफ़ी अच्छे डिज़ाइन जो है ये सितारों की, ये इसका टैग है। टैग पे MRP वगैरह कुछ मेंशन नहीं था और ये इसका ब्रांड है। देखिए ब्रांड लिखा हुआ KSUT, तो कुछ इस तरह का है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं कि इसका पहले कुर्ता कैसा है। तो ये है इसका कुर्ता, ये इसका कॉलर है, साइज L में मैंने इसको परचेस किया हुआ है। इसके नेक पे बहुत ही अच्छी खूबसूरत सी डिज़ाइन दी हुई है सितारों की। इसमें छोटे 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 गोल्डन कलर के सितारे लगे हुए हैं। ये एकदम गोल्ड जैसे सितारे नहीं है, रस्ट गोल्ड जो होता है ना वैसा कुछ कलर है और ये बहुत खूबसूरत दिखता है। बस इसका ड्रॉबैक ये है कि जब आप नॉर्मल शिफॉन का दुपट्टा लोगे ना तो ये इसमें फंसेगा और दुपट्टा ख़राब कर देगा। तो इसके लिए आपको इस पर आप नेट का दुपट्टा ले सकते हो। ये इसका स्लीव्स है, स्लीव्स पे कोई भी डिज़ाइन नहीं है और फैब्रिक जो है इसकी 100% सिल्क दी हुई है और कंफर्टेबल वाली सिल्क है। मुझे भी इसमें कोई इतना अनकंफर्ट फील नहीं हुआ, बट इसमें अगर ये लोग अस्तर लगा देते थे ना तो बहुत प्यारा और बहुत ज़्यादा कंफर्ट होता था। बट नेवर माइंड, ऐसे भी ये बहुत अच्छा है। और ये मैंने परचेज़ किया हुआ है 777 में। 777 में तो ठीक ही है, मेरे हिसाब से तो ठीक ही है। और वो 777 में अगर हम परचेज़ करने जाते हैं तो हमें ओनली कुर्ता मिलते हैं, बट इसमें सिल्क का फेस्टिव वेयर कुर्ता और प्लाजो दोनों है। ये देखिए इसका बैक साइड है, बैक साइड बिल्कुल ही प्लेन है। चलिए चलते हैं प्लाजो की तरफ। ये इसका प्लाजो है। इसमें कमेंट्स में मैंने पढ़ा हुआ था कि कम पैसा तो कम काम है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। उसमें लिखा हुआ था कि अगर आप कम पैसे में ख़रीदते हो, सेल में ख़रीदते हो, तो आपको प्लाजो पे वो ये जो दिया हुआ है ना कोटा पट्टी का वक्त, ये नहीं आएगा। बट ऐसा नहीं है, 777 में मैंने परचेस किया और मुझे इसमें कोटा पट्टी का वर्क भी आया है। ये फैब्रिक की क्वालिटी है, देख लीजिए। और ये कुछ इस तरह की प्लाजो मिल जाती है आपको, जिसके अंदर ये बेल्ट है। बेल्ट पूरा ऑल ओवर है राउंड में। इसमें भी अपना लोगो लगा हुआ है कंपनी का। और ये चौड़ा बॉटम वाला है, मतलब नैरो बॉटम जो सिगरेट पैंट टाइप का आता है ना, ये वो नहीं है। इसका बॉटम चौड़ा है काफ़ी, तो ये अच्छा दिखता है। मेरे हिसाब से तो ये बहुत ही अच्छा है। 777 में आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा, एटलीस्ट शोरूम में तो कहीं नहीं मिलेगा। ये इसका पूरा सेट है, कुछ इस तरह का लुक आता है। इसको परचेज़ करने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बता दूं मैं आपको। नंबर एक, इसके ऊपर आपको शिफॉन का दुपट्टा, जॉर्जेट का दुपट्टा नहीं चलेगा। आपको इसके लिए नेट का दुपट्टा लेना पड़ेगा और या तो टिश्यू का दुपट्टा आता है ना वो दुपट्टा, इसको आप पेयर कर सकते हो गोल्डन कलर के टिश्यू या फिर नेट के दुपट्टे के साथ में। पॉइंट नंबर दो जो है वो है इसका साइज़। मैंने इसको साइज़ L में मंगाया था, इसके बावजूद ये जो है बहुत लूज़ आ रहा था, तो मैंने इसको फिटिंग करवाया। और फिटिंग कराने के बाद में जब इसको मैंने वॉश किया है तो वॉश करने के बाद ये टाइट हो गया। तो नोट करने वाली पॉइंट ये है कि आप इसको आप अपने नॉर्मल साइज़ एज़ पर मेजरमेंट के हिसाब से मंगाइए
और इसको वॉश कीजिए, उसके बाद इसको प्रॉपर फिटिंग करवाइए तो ये आपको एकदम परफेक्ट आएगा। पॉइंट नंबर 3 है कि मैंने इसको 777 में परचेस किया हुआ था, बट ये आपको अभी 777 में नहीं मिलेगा, और अभी जो इसका रेट चल रहा है 1249, बट ये भी जो है कॉस्ट ये बहुत ही ज़्यादा है। ये नॉर्मली आता है 999 में, तो अगर आपको परचेज़ करना है तो थोड़ा वेट कर सकते हैं। अगर आप जल्दी में हैं तो आप इसमें परचेज़ कर सकते हो, बट ये मेरे हिसाब से ही महंगा है। 1200 का रेट है ना, ये 1200 को काफ़ी ज़्यादा महंगा है इसकी क्वालिटी और बाकी सब देख के। तो आप 999 के लिए वेट कर सकते हो, नॉर्मल जो है इसका 999 कॉस्ट चलता है। और हैवी डिस्काउंट चाहिए मेरी तरह तो आपको थोड़ा ज़्यादा वेट करना पड़ेगा 777 के लिए, अदरवाइज ये कपड़ा एकदम अच्छा है। 777 के हिसाब से तो एकदम परफेक्ट है, कहीं पे भी नहीं मिलेगा आपको ये 777 में। हाँ, ऑनलाइन कभी भी मिल सकता है, जब भी सेल चालू होती है तो हैवी डिस्काउंट में आपको मिल सकता है। चलते हैं अपने दूसरे सूट की तरफ, जो कि है मिंत्रा से परचेस किया हुआ है मैंने, तो ये कुछ इस तरह के पैकेट में आया हुआ था, तो चलो इसको ओपन करके देख लेते हैं। ये 3 पीस का सूट है, प्लाजो, कुर्ता और दुपट्टा। ये दुपट्टा है और ये कुर्ता है, ये सिल्क मटेरियल में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहले इसका कुर्ता कैसा है। ये है, ये देखिए, ये है इसका कुर्ता, लिबास ब्रांड का कुर्ता है, और हमेशा की तरह मैंने इसको साइज एल में मंगाया है। इस पे ये टैग है और टैग पे मेंशन हुआ है 2999, बट ये मुझे मिला है 970 रुपीज़ में मिला है। इसके नेक पे ये कुछ इस तरह का डिज़ाइन दिया हुआ है, ये एल्यूमिनियम के बटन आते हैं ना, उसके ऊपर फैब्रिक लगा के सेट करते हैं, ये कुछ उस टाइप के बटन्स हैं। शो पीस है, ओपन नहीं होते हैं, और इसके ऊपर कुछ इस तरह के छोटे छोटे बूटे बने हुए हैं। ये बनारसी साड़ी में जो डिज़ाइन होते हैं ना, कुछ उसी तरह का इस पर भी बूटे हैं छोटे छोटे गोल्डन कलर के, और ये ऑल ओवर कुर्ताज पे मिल जाएंगे। ये इसका स्लीव है, स्लीव इसका काफ़ी अच्छा है, थोड़ा लॉन्ग है, नॉर्मली जो अभी आजकल एल्बो तक आता है ना वो नहीं है। ये साइड में इसका स्लेट दे दिया है, फैब्रिक है इसका, सिल्क मटेरियल है, सिल्क है, और इसके साथ में ये लाइनिंग दी हुई है। ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट मुझे लगा कि 970 रुपीज़ में लाइनिंग वाला सूट मिला विद दुपट्टा, तो वो मेरे लिए तो खैर पैसा वसूल है। और इसकी जो कलर है वो एक्चुअल कलर जो है वो कैमरे में फ्लक्चुएट हो रही है तो मैं बता नहीं पा रही एक्चुअल कलर। हाँ, एक्चुअल कलर एक्चुअली ये है, ये जो एक्चुअल कलर है, अदरवाइज ये जो डार्क कलर दिख रहा है ये नहीं है, ये सिर्फ दिखा ही देता है डार्क, बट ये नहीं है। बैक साइड इसका बिल्कुल ही प्लेन है। और ये है इसका दुपट्टा, शिफॉन का दुपट्टा है, बहुत ही सॉफ्ट मटेरियल, फुल साइज है, लेंथ इसकी काफ़ी अच्छी है, और ये इन्होंने इसमें फ्रिल लगाई हुई है सेम फैब्रिक जो कुर्ता में है। तो चलते हैं अब इसके पैंट की तरफ। ये है इसका पैंट, जैसे कि सारे लिबास के पैंट में होते हैं जेब, तो ये है इसका जेब पॉकेट है। और ये देखिए, ये इसके नीचे लगा हुआ है कुछ इस तरह की डिज़ाइन दी हुई है बॉटम में, ये नैरो बॉटम वाला है, और ये है इलास्टिक लगी हुई है, बैक साइड इलास्टिक है, फ्रंट साइड बेल्ट है। फैब्रिक इसका ओके है, नॉट सो गुड नॉट सो बैड। हाँ, और पैंट में आपको लाइनिंग नहीं मिलेगी, कुर्ते में लाइनिंग है, पैंट में लाइनिंग नहीं मिलेगी। देखिए, वो डबल फोल्ड कर दिया है मैंने, कुछ इस तरह का दिखाई देता है। इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट जो है वो ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन आपको कभी भी, आप नैरो बॉटम लो या ब्रॉड बॉटम लो, आपको कभी भी यहाँ टाइट फील नहीं होगा, जो कि और दूसरे पैंट्स में होते हैं। तो मेरे ख्याल से तो ये बहुत ही अच्छी डील है। ये देखिए, कुछ इस तरह का इसका लुक आता है, बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा है। मुझे तो ये सूट बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है, अगर आपको भी अच्छा लगे तो आप इसे परचेस कर सकते हैं। मैं हर एक प्रोडक्ट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देती हूँ, अगर आपको चाहिए तो आप ज़रूर चेकआउट कीजिए।
तो ये था हमारा आज का रिव्यू। मेरी वीडियो अगर थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो आपको तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव ज़रूर शेयर कीजिए। तो मिलती हूँ एक और नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।